नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीआई से रिलेटेड भाई अहम मुद्दे पे बात करेंगे। 100% हर इंसान के साथ होता है, मैंने खुद ने भी देखा वीआई में कि आपका पासपोर्ट कौन रखता है। आप यहां से जाते हैं खुश होके, पासपोर्ट आपका, पैसे आपने दिए, इंडियन सरकार की संपत्ति आपकी सरकार संपत्ति है, वहां जाते ही वो पासपोर्ट आपका रख लेते हैं। चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे कंपनी का मालिक हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, सबसे पहले वो आपका पासपोर्ट कब्जे में करते हैं। ऐसा क्यों? जबकि वहां फर्जी एजेंट बैठे हैं तो विजिट में बुलाते हैं आपको, वो भी आपका पासपोर्ट अपने कब्जे में कर लेते हैं। ऐसा क्यों? जबकि ये तो कानून बना ही नहीं है, भी लेबर लॉ में ऐसा कानून नहीं है कि आपका पासपोर्ट वो रख सके। एक अथोराइज आपकी कंपनी है वही आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती, तो चुट्टे एजेंटों की तो कोई मतलब ही नहीं है वो पासपोर्ट आपका रखें। इस बात का आपको पता होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट वो रखते हैं तो क्यों रखते हैं? आपका पासपोर्ट आपको किस आधार पे उनको देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे आप वापस लेना चाहिए? अगर वो रखते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, कैसे आप लिखआउट कर सकते हैं, डिटेल से हम बात करना चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज वीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको पता है भाई, सबसे पहले आप कंपनी में जाओ, कहीं जाओ, सबसे पहले आपका एजेंट एयरपोर्ट पे आएगा ना तो भी सबसे पहले आपका पासपोर्ट वो लेगा। क्यों लेगा? अगर उसको पूछे कि भाई तूने पासपोर्ट क्यों लिया मेरा, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो गोलमोल करके पासपोर्ट ले लेते हैं। जी हाँ, कंपनी में जाओगे तो आपका जो मेन ऑफिस है वो पासपोर्ट रख लेते हैं, एचआर मैनेजर वगैरह आपके ऑफिस में पासपोर्ट जमा कर लेते हैं। क्यों भाई? हाँ, वो किस कंडीशन में आपका पासपोर्ट ले सकते हैं बता दूं। अगर आप जैसे कंपनी में गए, आपका ऑफर लेटर आ गया, आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, तो वो आपका वीजा लगवाएंगे, तो आपका वीजा स्टेपिंग के लिए या फिर और वो प्रोसेस है वीजा वाला, उसके लिए आपका वो पासपोर्ट रखेंगे। जैसे आपके पासपोर्ट में वीजा आके लग के आ गया है तो आपको हक बनता है कि आप वो पासपोर्ट अपने पास रखें, लेकिन 95% चीजों में ये नहीं होता है। हाँ, जो ब्लू कॉलर जॉब के अलावा जो व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं ना, वो अपने पासपोर्ट रख सकते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि वो डंडा भी दे देते हैं, तो वो समझदार होते हैं, वो पासपोर्ट उनको दे दे। बाकी उनको भी बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट नहीं मिलता, 98% मुझे लगता है पासपोर्ट कंपनियां ही रखती हैं, मालिक रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मान लीजिए आप उनके उनसे बोल सकते हैं कि भाई पासपोर्ट आप क्यों रख रहे हैं, पासपोर्ट तो मेरा है। वे लेबर लॉ में ये प्रावधान किया गया है कि वर्कर है वो अपना पासपोर्ट अपने पास रखेगा, कंपनियां पासपोर्ट नहीं रख सकती, ठीक है। लेकिन इसके उल्टा होता है, आप सबको लोगों को पता ही है, कमेंट करने की जरूरत मुझे लगता है नहीं पड़ेगी आपको। आप नीचे जाके लिखने लग जाओगे मेरा पासपोर्ट कंपनी में, सबको बता भाई कंपनियां रखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर कंपनी पासपोर्ट रखती है तो आप है ना उनसे एक लेटर पे हेडर पे लिखवा सकते हैं, कंपनी का जो लेटर हेड होता है कि मेरा नाम, मेरा पासपोर्ट नंबर, मेरे पोस्टन, मेरा अब से ये वीजा लगा वगैरह वगैरह, इस रीजन से हम आपका पासपोर्ट अपनी कंपनी में या अपने ऑफिस में रख रहे हैं। जी हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं अपना पासपोर्ट आपको आपकी कोई गलती नहीं है, पासपोर्ट रखना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ आप एक्शन भी ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल भी अपना पासपोर्ट लेने के लिए लिखित में उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं, मेल द्वारा उनको बोल सकते हैं कि मेरा पासपोर्ट कंपनी में है, मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, मैं काम करूंगा। हाँ, कंपनी आपका पासपोर्ट कब रख सकती है, ले सकती है आपसे कब, या तो वीजा लगवाए तब ले सकती है, या फिर आपका वीजा कैंसिल करवाना हो, ठीक है, तब वो आपका पासपोर्ट ले सकती हैं वीजा कैंसिल करवाने के लिए। वीजा आपका नया आपको दोबारा रिन्यू करवाना हो या रद्द करवाना, जैसे ये प्रोसेस पूरा होता है पासपोर्ट आपको वापस कर देना चाहिए कंपनी को। पासपोर्ट अगर आपका रखता है ना, तो एक लेटर हेड पे पूरी डिटेल लिखवा के आपका नाम, पासपोर्ट वगैरह सब क्यों लिखते हो, इसका रीजन वगैरह, और कंपनी का जो मैनेजर उसके नाम साइन करवा के मोहर लगवा लो और वो अपने पास रखो, और एक पासपोर्ट की कलर कॉपी आपको हमेशा अपने पास में रखनी चाहिए। अगर वो लेटर हेड पे लिख के दे देगा ना, तो आपको पता भी लग जाएगा कि वो पासपोर्ट कैसे रखते हैं। वो लेटर हेड नहीं देगा, वो पासपोर्ट ही दे सकता आपको, क्योंकि लेटर हेड रखने का मतलब वो गलती कर रहा है। दूसरी बात, अगर पासपोर्ट कंपनी देने से मना करती है, कोई रीजन हो सकते हैं, कई सारे रीजन हो जाते हैं, जैसे आप गए, ठीक है, या कंपनी से आप बीच में निकल रहे हो, कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, कंपनी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, तो आप कंपनी वजह से कंपनी पासपोर्ट आपका रखती है कि पासपोर्ट बंदे को देते ही पता नहीं कल को दूसरी कंपनी में चला जाएगा, आपको सबको पता है ना, ये भाग जाएगा, ये काम नहीं करेगा, हमारे वीजा के पैसे लग गए 4,000 दिराम, 5,000 दिराम, 6,000 दिराम, इस तरह से अलग अलग वीजा के अलग अलग पैसे लग जाते हैं, ठीक है। इस वजह से कंपनियां पासपोर्ट रोकने का यही बहाना बनाती हैं कि भाई आप यहाँ पे काम नहीं करोगे वगैरह वगैरह, आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लोगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, पासपोर्ट हमारे पास रहेगा तो आप सही तरीके से काम करोगे, हमारे कब्जे में रहोगे वगैरह वगैरह, बस वही है। जबकि सीधा सीधा फंडा है कि पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, नहीं देते हैं तो आप उनको लिखित में लो कि भाई पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो, इसका रीजन बताइए मुझे, तो वो रीजन देंगे ना, तब उनके पीछे वाले यहाँ है ना पसीना आने लग जाएगा, रीजन तो है ही नहीं, पासपोर्ट तो क्लाइंट को देना पड़ता है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो पासपोर्ट आपका रख सकें। बस ये आपको छोटी सी जानकारी देनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।